वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप यू आर डूइंग गुड गाइस। आज का वीडियो होने वाला है अहल्या ब्रांड से, जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाई है। एंड ये ब्रांड मैं काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी, बस फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से कुछ मंगाया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ऑल्सो ये राखी स्पेशल हॉल है, सो बैक टू बैक अभी आपको फेस्टिवल वाले हॉल्स वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है एंड मेरे चैनल पे शुरू हो रही है फेस्टिव सीरीज। मैं हमेशा ये सीरीज करती हूँ जब भी कोई फेस्टिवल आने वाली होती है, मुझे ये सीरीज करना बहुत पसंद है। सो राखी आने वाली है, ईद आने वाली है, आई नो अभी बहुत टाइम है, बट अभी जितनी भी डिलीवरी हो रही है वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, इसलिए मैं ये सीरीज अभी से ही शुरू कर दे रही हूँ कि आपको कुछ भी पसंद आए तो आप फटाक से ऑर्डर कर लें। सो ये पार्ट वन है एंड जैसे जैसे मुझे प्रोडक्ट रिसीव होगा मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। अगर ये हॉल वीडियो एंड ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं अपना 100% तो वीडियो में देती हूँ बट उस पर व्यूज़ नहीं जा पाती हैं। सो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। सो मैं ज़्यादा बकबक करके आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी एंड मैं इतनी धीरे आवाज़ से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी शूटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम है, लोग सो रहे हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है। सो गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड नाउ वी टॉक अबाउट इट, लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो। सो गाइस ये कुछ इतने कपड़े हैं जो मैंने मंगाई है राखी के लिए। मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी फेवरेट कुर्ती से, ग्रीन एंड क्रीम कलर की कुर्ती कुर्ता सेट है विद दुपट्टा। कुर्ती कुछ ऐसी दिखती है एंड बोट नेक के साथ है, फॉइल प्रिंट बनी हुई है, बट ये फॉइल प्रिंट जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के फॉइल प्रिंट है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही क्लोजअप दिखा रही हूँ मटेरियल एंड उसका प्रिंट। एंड कुर्ती का मटेरियल पॉलिस्टर है, बहुत ही शाइनी काइंड ऑफ मटेरियल है। यहाँ तक इसकी प्रिंट बनी हुई है डिज़ाइन एंड नीचे ये पूरी प्लेन है, बैक भी पूरी प्लेन है, बस स्लीव्स में आपको यहाँ पे वर्क दिख रहा है। इस पर मेरा साइज मीडियम है, पॉलिस्टर मटेरियल है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बहुत हार्ड नहीं है, एवरेज मटेरियल है जो कि मुझे पसंद आई है। सो इस पे अटैच आपको इनर लाइनिंग भी मिल रही है, तो अंदर से पहनने में ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल है और ये अच्छी बात है, और इनर लाइनिंग है तो सी थ्रू का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। इसके साथ आती है ये धोती पैंट, कुछ इस तरीके से इसकी प्लीट्स बनी हुई है, बैक में इलास्टिक है। धोती पैंट का ये एक लेयर दोनों तरफ से ओपन होता है जो कि नीचे को इस तरीके से जाती है, जो कि पहनने पे बहुत अच्छी लग रही है। एंड इसका मटेरियल है पॉली क्रेप, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत कंफर्टेबल भी है। कुर्ती की बेस्ट चीज़ जो है उसका दुपट्टा है एंड पूरी फ्लावर कलरफुल प्रिंट बनी हुई है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है जो मैं बहुत ही जूम करके आपको दिखा रही हूँ। गोटा पट्टी लाइनिंग मिल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली है बट बहुत खूबसूरत लग रही है। ये चारों कोने पे ये टैसल बनी हुई है दुपट्टा पे, और दुपट्टा की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं दुपट्टा की चौड़ाई इतनी है एंड लंबाई काफ़ी अच्छी है। फिर इसका पॉलिश शिफॉन है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। गाइस ये बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दुपट्टा लग रही है, लाइक ये सूट को मैं इसके दुपट्टे के वजह से ही रख लूँ, इतनी खूबसूरत और इतनी सॉफ्ट दुपट्टा है ये। प्राइस आपको स्क्रीन के साइड पे मिल जाएगी एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। अभी पे आप इसे पहनोगे तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. नेक्स्ट कुर्ती ये येलो मस्टर्ड येलो कलर की कुर्ती सेट है, ये लेयर कुर्ती स्टाइल काइंड ऑफ कुर्ती सेट है और बहुत ही शाइनी मटेरियल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कपड़े में ही ये शाइनी शाइनी फ्लावर्स बने हुए हैं, स्लीव्स पे भी गाइस देख सकते हैं सेम शाइनी काइंड ऑफ मटेरियल है। सॉरी आयरन नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है, इस वजह से मैं आयरन नहीं कर पाई। उस पैठे की यहाँ पे आपको एक लेयरिंग मिल रही है दूसरे कपड़े की, जिसकी प्रिंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नीचे की ओर भी आपको सेम लेयरिंग मिलेगी यहाँ पे, जो कि इस कुर्ती को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रही है ना, स्टाइलिश बना रही है। इस पर मेरा साइज स्मॉल है, इसका जो मटेरियल वो पॉली क्रेप है, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत लोगों को ये मटेरियल नहीं पसंद आएगी फ्रैंकली, बट मुझे ये मटेरियल बहुत पसंद आई। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ही हल्का कपड़ा है, लाइक अगर आप इसे धोगे तो एक आधे घंटे में सूख जाएगी, ऐसी मटेरियल है।
कुछ इस तरीके से इसकी प्लाजो है, लेयर अप वाली सेम मटेरियल है एंड डिजाइन भी आप नीचे देख सकते हैं लेयर अप की हुई, जो कि बहुत गॉर्जियस लग रही है। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई एंड इस तरीके का मटेरियल मुझे पसंद है, लाइट वेट वाली। मटेरियल बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, बट फायदा यह है कि आप इसे जितना भी धो पहनो ना, ये मटेरियल कुछ भी नहीं होने वाला है। क्रेप काइंड ऑफ मटेरियल है ये वाली, ये पॉली जॉर्जेट है। साथ आती है सेम दुपट्टा, जो लेयरिंग बनी हुई है स्लीव्स पे एंड नीचे कुर्ती पे एंड प्लाजो पे सेम दुपट्टा है एंड सेम प्रिंट्स भी बनी हुई है। साइड पे आपको गोटापट्टी डिटेलिंग भी मिल जा रही है थोड़ी सी एंड यहाँ पे सेम लटकन लगी हुई है दुपट्टे के कॉर्नर पे। पट्टे की चौड़ाई नहीं है बट लंबाई काफ़ी अच्छी है, सो इतनी लंबी है दुपट्टा। मैं इस कुर्ती को भी रिकमेंड करूंगी, अगर आपके घर में शादी है तो हल्दी के टाइम में पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है एंड कोई भी पार्टीज में आप इसे रॉक कर सकते हैं एंड राखी में भी आप इसे पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाली है। If I'm knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, a toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. 'Cause together, better off, and we can. सेट ये मॉव एंड प्रिंटेड कुर्ती विद प्लाजो एंड दुपट्टा के साथ ये भी है। सो मैं पहले इसका कुर्ता दिखाती हूँ। मॉव कलर की बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती है ये, कुछ इस तरीके से इसकी नेकलाइन है। यहाँ पे अटैच्ड ये पैच काइंड ऑफ नेकलाइन बनी हुई है, जो कि ऊपर से कपड़े लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रिंट्स हैं एंड स्लीव पे भी सेम चीज आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको फॉइल प्रिंट की छोटी छोटी सी काम मिल रही है। आपको ऊपर से व्हाइट कपड़े की बॉर्डर बनी हुई है, जो कि बहुत ही गॉर्जियस लग रही है एंड बैक की तरफ भी सेम छोटी छोटी सी फॉइल प्रिंट वाली फ्लावर बनी हुई है, जो कि पूरी कुर्ती पे है। इस पे कोई भी इनर लाइनिंग नहीं है। मटेरियल अगेन पॉलीक्रेप है, जो येलो वाली जो मटेरियल मैंने आपको दिखाई सेम मटेरियल है। तो इसके साथ आती है ये प्लाजो, प्रिंटेड प्लाजो, जो कि मुझे इस ब्रांड में इस तरीके की डिजाइन जो मिल रही है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है। इसके दोनों तरफ प्लास्टिक है, मटेरियल भी सेम पॉलीक्रेप मटेरियल है एंड कुछ इतनी घेर है प्लाजो की। मेरा साइज मीडियम है एंड ये गाइस मुझे अप्रॉक्स 1900 समथिंग की पड़ी है, तो उस हिसाब से मुझे ये थोड़ी एक्सपेंसिव लगी। इस मटेरियल का एक डिसएडवांटेज भी है, गर्मियों के टाइम पे जब आपको स्वेटिंग होगी तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी, तो गर्मियों के लिए ये मटेरियल बहुत अच्छी मैं नहीं बोलूँगी। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी गीली भी होगी और बहुत जल्दी सूख भी जाएगी। सो स्वेटिंग होगी, अगर आपको स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। बटन सीजन एंड स्प्रिंग सीजन के लिए बहुत अच्छा है, गर्मियों के टाइम पर थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। इसके साथ आती है ये प्रिंटेड दुपट्टा, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर में ये बॉर्डर आपको मिलेगी, जो कि स्पार्कल वाली है, बहुत ही ज़्यादा ब्लिंक कर रही है, जो कि पार्टीज़ के लिए परफेक्ट बना दे रही है। कुर्ती बहुत सिंपल है, प्लाजो सिंपल है, बट ये दुपट्टा अगर आप वेयर करोगे तो आप किसी भी पार्टी में से पहन सकते हो। सो कुछ ऐसी फ्लावर प्रिंट बनी हुई है, अगेन चौड़ाई कम है बट लंबाई यहाँ देख सकते हैं, लंबाई काफ़ी अच्छी है। बट इसका मटेरियल कॉटन ब्लेंड है, लाइक ए थोड़ी हार्ड काइंड ऑफ मटेरियल है। ग्रीन वाली कुर्ती का जो कपड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एक मुट्ठी वाला, एंड ये क्योंकि कॉटन पे दे दिया है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दुपट्टा ये नहीं है, हार्ड काइंड ऑफ है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये कुर्ती सेट, बट अगर थोड़ी सी अच्छी सेल में मिलती है तो आप 100% इसे बाय कर सकते हैं। Oh.
कुर्ती ये ब्लैक एंड बीच कलर की कुर्ती सेट है, दुपट्टा के साथ है, कुर्ती सेट चूड़ीदार के साथ है एंड कुछ इस तरीके से उसकी नेकलाइन है जो कि बहुत ही प्लेन है एंड ये भी अगेन बहुत ही शाइनी काइंड ऑफ मटेरियल है। यहाँ पे इस तरीके से इसकी डिजाइन स्लीव्स की आती है। प्लेन कुर्ती है, बस नीचे की ओर आपको ये बहुत ही ब्रॉड बॉर्डर मिल रही है, वाली कुछ डिजाइन बनी हुई है कुछ इस तरीके से एंड मुझे डाउट है कि धोने के बाद निकल भी सकती है। इसका मटेरियल आर्ट सिल्क है जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा हार्श लग रही है, बहुत हार्ड लग रही है। ऑल्दो ये बहुत ही शाइनी मटेरियल है, पार्टीज़ के लिए परफेक्ट है, बट बाहर से अगर आप इसे छूओगे तो ये बहुत हार्ड लग रही है। अंदर से इसकी लाइनिंग है जो कि कॉटन मटेरियल की, इसलिए पहनकर बिल्कुल भी एजिंग काइंड ऑफ फीलिंग नहीं दे रही। इस पर भी मेरा साइज़ मीडियम है एंड इसके साथ आती है ये नेट की चूड़ीदार जो कि कुछ इस तरीके से है। इस पर भी फ्लावर्स प्रिंट बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही जूम करके। पूरा नेट मटेरियल का है एंड कुछ इतनी लंबी चूड़ीदार है कुछ इस तरीके से। इनर लाइनिंग दी हुई है इस पर, बट ये हाफ ही दी हुई है, लाइक इतनी इनर लाइनिंग है जिससे कि आपकी हिप्स कवर कर पाएगी बस, बाकी पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये मटेरियल का पॉलिस्टर है, बहुत ही सॉफ्ट नेट है, बहुत ऑसम मटेरियल है। लंबी और इनर लाइनिंग रहती तो ज़्यादा अच्छी लगती। इसके साथ आती है दुपट्टा, जो कि दुपट्टा मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। कुछ इस तरीके से दुपट्टे का मटेरियल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये बॉर्डर बनी हुई है चारों तरफ जो कि बहुत सुंदर लग रही है। अगेन चौड़ाई उतनी ही है एंड लंबाई काफ़ी अच्छी है, तो दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये कुर्ती सेट मुझे उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि प्राइस भी इसकी बहुत हाई है एंड जो मटेरियल है इसका उतना मुझे पसंद नहीं आया एंड चूड़ीदार इसका ट्रांसपेरेंट है, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। तो ये जो मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, ये कुर्ती सेट आप देखें, उस टाइम ये स्टॉक में नहीं थी, एक्चुअल में मैं यही लेने वाली थी बट दिख गई सिमिलर तो मैंने इसे मंगा लिया। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसी को लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस वाइट एंड ग्रीन प्रिंटेड कुर्ता है। इस पर दुपट्टा नहीं है, कुर्ती है और प्लाजो है। बहुत ही सिंपल कुर्ती सेट मैंने मंगाई है और जितनी भी मैंने आपको दिखाई सब पार्टी वेयर है, बट मैं कुछ एक ऐसा चाहती थी जो आप डेली वेयर में भी वेयर कर सकें। जिस तरीके से इसकी नेकलाइन है एंड यहाँ पे आपको एक लटकन मिल रही है जिसपे टैशल, डार्क ग्रीन कलर की टैशल है और कुछ इस तरीके से प्रिंट है इसकी। स्लीव पे ये गोटा पट्टी डिटेलिंग है एंड ये पूरी घेर वाली कुर्ती है। बॉर्डर पे यहाँ पे आपको नीचे ये प्रिंट्स मिल रही है जो कि फॉइल प्रिंट्स है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लेकिन जो प्लीट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर वाली है लग रही है, जैसे कि मैं सामरिया की कुर्ती पकड़ी हुई हूँ। एंड जो मटेरियल है ये विस्कॉस रेयन है, विस्कॉस रेयन मटेरियल मुझे बहुत पसंद है एंड ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइक 100% मैं इसे रिकमेंड करूँगी मटेरियल के वजह से, ये इतनी अच्छी मटेरियल है। प्राइस भी अप्रॉक्स उसका 1200 समथिंग है, जो कि लिबास वगैरह में भी 1200 में इतनी अच्छी मटेरियल नहीं मिलती है, सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। इसके साथ ये प्लाजो सेम प्रिंट की है, सो जिनको भी सेम प्रिंट पहनना पसंद है उनके लिए परफेक्ट है। दोनों तरफ ये इलास्टिक है एंड इतनी घेर है इसके, नीचे सेम बॉर्डर आपको प्लाजो पे मिल रही है। सो कुर्ती एंड प्लाजो बिल्कुल ही सेम है। आप इस पर वाइट दुपट्टा और ग्रीन दुपट्टा डाल लें जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। एक प्लेन दुपट्टे कुर्ती सेट को बहुत खूबसूरत बनाएगी। राइट नाउ मेरे पास ऐसा कोई कलर का दुपट्टा नहीं है, बट जब भी मैं इस कुर्ती सेट को वेयर करूँगी मैं एक प्लेन ग्रीन दुपट्टा के साथ करूँगी जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। You're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches. We're toe to toe, we're always on the road. We're so better, we can't stop.
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो. वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइस.